हाय एवरीवन, आज हम गेहूं के आटे से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार खस्ता स्वीट की रेसिपी लेके आए, जो बहुत ही आसान है बनाना और खारे में टेस्टी है। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। एक बार बनाइए, महीने भर तक स्टोर करके खाइए बड़े मज़े से। इस दिवाली में आप ज़रूर ट्राई करिएगा, मेहमान को खिलाइए, वो आपकी तारीफ़ करेंगे और पूछेंगे कैसे बनाए हैं। एकदम नई रेसिपी है। अब चलिए देर की इस बात की, इस मिठाई खजूर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो लगाना है। एक बर्तन ले लिया है, 2 कप गेहूँ का आटा ले लेंगे। आप मैदे से भी बना सकते हो। 1 कप से आधा सूजी मिलाएंगे, सूजी मिलाने से खस्ता बनेंगे। 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, इससे देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी साबुत सौंफ ले लिया है, वो डालेंगे इस तरह से क्रश करके, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा इसको डाल के। 2 कप आटा ले लिया है तो 1 कप चीनी का पाउडर मिलाएंगे। चीनी को मिक्सर जार में पीस के ले लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी नमक डालेंगे, नमक डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मीठा में थोड़ा सा नमक अच्छा लगता है। 2 चम्मच भर के हम घी डालेंगे, घी के जगह ऑयल भी डाल सकते हो, पर घी से ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम आटे में मॉइन लगाते हैं, उसी तरह से हमें मिक्स करना है। मिक्स कर लिया है, देखिए मुट्ठी हो गई है, इसी तरह से हमें मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो लगाना है। पानी को एक साथ नहीं मिलाना, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। डो लगा लिया है, इसी तरह से हमें लगाना है। अब इसका 10 मिनट हम रेस्ट पर रख देंगे, 10 मिनट बाद चेक करेंगे। देखिए डो हमारी सेट हो गई है। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे, कुछ सेकंड के लिए मसल के चिकना करके ले लेंगे। अब बड़े से पेड़े निकाल लेंगे, इस तरह से एक पेड़े ले लेंगे, गोला करेंगे, फिर इस तरह से लंबाई शेप ले लेंगे। बहुत ही आराम से करना है कि इसी तरह से बना लेना है। चक्कू ले लिया है, इस तरह से हम कट लगा लेंगे। थोड़ा सा मोटाई रखेंगे, बहुत ही आसान है बनाना। देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन आ गई है, खजूर की शेप में आ गई है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लिया है, इसी तरह से हम रेडी करके ले लेंगे। देखिए सभी को बना के रेडी कर लिया है। अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल को मीडियम गर्म करना है, एक साथ ज़्यादा नहीं गर्म करना है। अब हम डाल देंगे, देखिए इसी तरह से हमें ऑयल गर्म चाहिए। डाल दिया है, एक साइड सिकने देंगे, गैस का पहले मीडियम करके ही रखेंगे। अब हम पलट लेंगे, बड़ी आराम से पलटना है। पलट लिया है, दूसरी साइड भी सेक लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर से पलट लेंगे, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। अगर आप मेरी तरीक़े से बनाएंगे तो आपकी एक भी फटेंगे टूटेंगे नहीं, बिल्कुल मेरी तरीक़े से बनेंगे। पलट लिया है, इसी तरह से अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। गैस का पहले मीडियम करके ही सेकना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत ही आसान तरीक़े से बनाए हैं, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बना है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। आप इसको बना के स्टोर करके रख सकते हैं इस दिवाली में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है। अब हम निकालेंगे, इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना। देखिए पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए सभी को रेडी करके ले लिया है, कितनी बढ़िया लग रही हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी है, खाने में तो लाजवाब लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। एक बार बना के महीने पर स्टोर करके खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपकी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नई हो और इसी तरह की आसान और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।